का पहला हिस्सा वलीफाशिद राशिद दिना अबू बकर सबसे अफजल इंसान और पहले खलीफा राशिद सैद अबू बकर रजी अल्लाह अनहु है जो अशर मुबशरा में भी पहले नंबर पर है उनके हालात واقعات दिलचस्प अंदाज में हमारा दावा है कि सीधी शुरू होते ही आप इसमें महव होकर रह जाएंगे जी हां कुछ वाकयात ऐसे भी होते हैं जिनमें इंसान डूब कर रह जाता है और खत्म होने तक उभरता नहीं तो आइए इब्तदा करते हैं पहले खलीफा राशिद खलीफा रसूल सैयदना अबू बकर मोहम्मद तारिक शाहिद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं यही तो वो हैं जो उनके परवरदिगार के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं उनके लिए अज्र और नूर है और जो लोग कुफ्र करते हैं और हमारी आयतों को झुटलाते हैं वो जहन्नमी है इर्शाद नबवी है बकर के माल ने जितना मुझे फायदा दिया इतना किसी और के माल ने नहीं दिया जमात असहाब रोशन सितारे हैं आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी कमोबेश है यही मिसाल सहाबा कि राम रजी अल्लाहम की है लेकिन हैं सभी रोशन इनमें सबसे नुमाया सबसे रोशन और सबसे ताबनाक बहरहाल पहले चार सहाबा ही हैं। यही पहले चार सहाबा ख राशिदीन हैं। अशारा मुबशरा में भी सबसे पहले इन्हीं का नाम है दुनिया में बहुत से लोगों को अजीब और गरीब खसूसियात नसीब हुई आदम सबसे पहले इंसान हुए अल्लाह ताला ने उन्हें माँ बाप के बगैर पैदा फरमाया ईसा सलाम बिन बाप के पैदा हुए नू सलाम को साढ़े नौ सौ साल के करीब जिंदगी मिली इब्राहिम को आग में डाला गया आग उन्हें जला ना सकी इस्माइल सलाम के गले पर छुरी चलाई गई गला ना सलाम को मछली मछली ने जिंदा जिंदा फिर के पेट से निकल आसमानों की सैर तो की, की खत्म नबूवत का ताज आपको पहनाया गया आपकी उम्मत को यह इम्तियाज बख्शा गया की आखिरी उम्मत करार पाए इस आखिरी उम्मत में भी बहुत से अफराद की खसूसियात वाले करार पाए उनमें सबसे बुलंद दर्जा अबू बकर सिद्दीक रजी का है उनकी शान में अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई अगर तुम उनकी मदद न करो तो अल्लाह ही ने उनकी मदद की उस वक्त जब उसे काफरों ने देश से निकाल दिया था दो में से दूसरा जबकि वो दोनों गार में थे जब ये अपने साथी से कह रहे थे कि गम न कर अल्लाह हमारे साथ है पस जनाब बारी ने अपनी तरफ से तस्कीन उस पर नाजिल फरमा कर उन लश्करों से उसकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं उसने काफिरों की बात पस्त कर दी और बुलंद अजीज तो अल्लाह का कलेमा ही है अल्लाह गालिब है, है। तिरमजी की एक रिवायत के अल्फाज ये हैं अबू हुरैरा रजी अल्लाह से रिवायत है रसूल फरमाया मुझ पर जिस किसी का भी एहसान था मैंने उसका बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर अबू बकर का एहसान बाकी है इसका बदला अल्लाह ताला ही क्यामत के दिन नता करेगा और मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने नफा दिया अगर मैं किसी को अपना जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता खबरदार तुम्हारा साथी अल्लाह का दोस्त है यानी अल्लाह ताला ने चूंके मुझे दोस्त बनाया है इसलिए अल्लाह के सिवा मैं किसी को दोस्त नहीं बना सकता मुस्लिम की एक हदीस के अल्फाज यूं हैं: अबू बकर ने तुम्हारे साथी को दोस्त बनाया है तो ये अजीम खसूसियत अबू बकर रजी अल्लाह को नसीब हुई जो नबी आखिर उस जमान के सबसे अफसल सहाबी थे आज हम उन्हीं का करेंगे उनकी हैरत कर देने वाली बातें सुनेंगे अबू अलैहि वसल्लम उनसे करीबाई साल पहले दुनिया में तशरीफ ला चुके थे गोया नबी करीम आमुल फील में जलवा अफरोज हुए जबकि अबू बकर में पैदा हुए हाथियों वाले साल को कहते हैं यानी जिस साल अब्रहा ने हाथियों के लश्कर के साथ काबे पर चढ़ाई की थी और अल्लाह ताला ने अबाबिलों के जरिए उसे और उसके लश्कर को खाया हुआ भूसा बना दिया था बाप ने उनका नाम अब्दुल काबा रखा यानी काबे का बंदा इस्लाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्लाम लाने पर बदला और अब्दुल्ला नाम रखा यानी अल्लाह का बंदा लेकिन आप अबू बकर के नाम से मशहूर हुए अबू बकर दरअसल उनकी कुन्नीयत थी असल नाम के अलावा अरबों में बाप बेटे बेटी या माँ वगैरह के नाम की नस्बत से एक और नाम रख दिया जाता था ये नाम किसी की बिना पर भी रखा जाता था अबू बकर के किसी बेटे का नाम बकर नहीं था उनकी अच्छी आदत और नेकी के कामों में आगे रहने की वजह से लोगों ने उनकी कुन्नीत अबू बकर रख दी थी बकर का एक मतलब पहल करना भी है गोया वो नेकी के कामों में पहल करते थे उनकी ये कुन्नियत इस कदर मशहूर हुई कि असल नाम से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। उन्होंने चूंकि हर मौका और हर मरहले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की कि आप सच्चे रसूल हैं और जो कुछ आप फरमाते हैं बिल्कुल सच होता है इसी तरह हर हालत में दुख में भी और सुख में भी उन्होंने नबी करीम सल्लाम का साथ दिया इसीलिए सिद्दीक के लقب से मशहूर हुए खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक के लقب से याद फरमाया सिद्दीक से मुराद है निहायत सच्चा सच्चाई के खिलाफ हर बुराई के मुकाबले में डट जाने वाला चुनाचे अबू बकर सिद्दीक हर मौके पर सच्चे साबित हुए लिहाजा सिद्दीक कहलाए उनका एक लقب अतीक भी है अतीक का मतलब है आजाद आपने उन्हें देखकर एक बार फरमाया तुम अल्लाह की तरफ से दो से आजाद हो एक और मौके पर आपने फरमाया जिसे जमीन पर दो से आजाद किए हुए शख्स को देखना हो वो अबू बकर को देख ले इस लिहाज से उनका एक लकब अतीक हुआ उनका एक मशहूर लकब यार भी है वो गारे सौर में आपके साथ थे जैसा कि आप अभी आयत और उसका तर्जमा सुन चुके हैं तफसी आगे आएंगी आप खानदान तैम से थे कुरैश की कई शाखाएं थीं उनमें से एक का नाम बनू हाशिम था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनू हाशिम से थे एक शाख का नाम बनू तैम था अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनु उससे थे बनू तैम भी बहुत बाइजत खानदान था सातवीं पुस्तक में आपका नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है वो इस तरह के कबीले कुरैश के मुर्रा के दो बेटे किलाब और तैम थे किलाब की औलाद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और तैम की औलाद से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह पैदा हुए अबू बकर सिद्दीक के वालिद का नाम उस्मान बिन आमिर था और उनकी कुन्नीयत अबू कोहाफा थी ये भी अपनी कुन्नीत ही से मशहूर थे कामयाब और खुशहाल ताजिर थे मक्के के लोग उन्हें बहुत इज्जत की निगाह से देखते दे थे उन्होंने मक्का फतह होने के बाद इस्लाम कबूल किया उस वक्त उनकी उम्र नब्बे साल के करीब थी बीनाई जाती रही थी चौदह हिजरी में सतानवे साल की उम्र में वफात पाई अबू बकर रजी अल्लाह की वालिदा का नाम सलमा बिन तखर था उनकी कुन्नीत उम्मुल खैर थी ये भी बनु तैम से थी अपने शौहर अबू कुहाफा के चचा की बेटी थी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने हिजरत से चंद साल पहले इस्लाम कबूल किया लंबी उम्र पाई और अबू कुहाफा के वफाद के कुछ असेस बाद फौत हुईं अबू बकर के दो भाइयों का जिक्र भी तारीख की किताबों में मिलता है दोनों बचपन में फौत हो गए थे दो बहनें भी थीं उम्मे फरवा और कुरैबा उम्मे की शादी बिन कैस से और की शादी मशहूर थी अबू बकर तो की तारीखियां छाई हुई थी लोग पत्थर और लकड़ी के बुतों की पूजा करते थे अबू बकर बचपन ही से जहीन और बहुत नेक थे होश संभाला तो माँ बाप को बुतों की पूजा करते देखा लेकिन किसी ने अबू बकर को बुतों की पूजा करते न देखा न किसी ने उन्हें मजबूर किया उस वक्त अरब में लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था बहुत थोड़े लोग लिखना पढ़ना जानते थे अबू बकर पढ़े लिखे लोगों में से थे शायद उन्होंने बचपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया था लड़ने का तरीका और हथियारों का इस्तेमाल भी सीखा था और तिजारत करने के गुर भी सीख लिए थे वो कभी नशे वाली चीज के करीब नहीं गए न किसी बुरे काम में कभी हिस्सा लिया जवान हुए तो खूबियां और निखर गईं। 18 साल की उम्र में तिजारत का पेशा इख्तियार किया वो यमन शाम और इराक वगैरह जाते वहां से कपड़ा खरीद कर लाते और फरोख्त करते बहुत जल्द अपनी सच्चाई और दयानत की वजह से दूसरे ताजरों को पीछे छोड़ गए दौलतमंद हो गए मक्के के रईसों में उनका शुमार होने लगा जितने दौलतमंद थे उतने ही सखी नर्म दिल और लोगों के हमदर्द थे भूखों को खाना खिलाते नंगों को कपड़े पहनाते बेवाओं और यतीमों की मदद करते किसी को मुसीबत में देखते तो फौरन उसकी मदद को पहुंचते आम लोगों के साथ बहुत मोहब्बत और शफकत से पेश आते कभी झूठ नहीं बोलते थे शराब और बुतों से नफरत करते थे उस जमाने में जो बेशुमार दूसरी बुराइयां फैली हुई थीं, उनसे भी दूर रहते थे अरबी जबान के बहुत अच्छे आलिम थे कभी कभार शेर भी कह लेते थे अरब में ये बात बहुत खूबी की समझी जाती थी कुरैश की मुख्तलिफ शाखों और दूसरे कबीलों के रस्म और रिवाज और और को जानने वाला उनसे बढ़कर कोई नहीं था कत्ल के मुकदमा के फैसले वो ही करते थे की परेजगारी दयानतदारी और दूसरी खूबियों की वजह से मक्के के सब लोग उनकी दिल से इज्जत करते थे किसी मामले में कोई मुश्किल पेश आ जाती तो मशवरे के लिए उन्ही के पास आते थे, थे अरब के दूसरे कबीले भी उनकी इज्जत करते थे तिजारत के लिए दूसरे मुल्कों का सफर करते तो अरब के अक्सर कबीलों से वास्ता पड़ता था दोस्ती रोज बरोज गहरी होती चली गई दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे कई तजारती सफर भी एक साथ किए फिर, फिर वो वक्त भी आया जब रसूल सल हर रोज सुबह शाम उनके घर तशरीफ ले जाने लगे इस तरह वो मक्के के तमाम लोगों से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और बेमिसाल खूबियों से वाकिफ हो गए इस्लाम लाने से पहले तक उनका यही रंग रहा यहाँ तक कि 38 साल की उम्र को पहुंच गए उस वक्त नबी करीम अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हो चुकी थी और आप इकतालीसवें साल में कदम रख चुके थे कि आपने नबूवत का ऐलान फरमाया सबसे पहले चार नेक इंसानों ने इस्लाम कबूल किया उनमें से तीन तो आपके घर के थे यानी खदीजा रजी अल्लाह अली रजी अल्लाह अनहो और जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अनहो अली आपके चचाजात भाई थे आप ही के पास रहते थे और उस वक्त उनकी उम्र दस बरस थी जैद बिन हारिशा आपके खादिम और मुंह बोले बेटे थे खदीजा आपकी बीवी थी घर से बाहर के लोगों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने इस्लाम कबूल किया गोया मर्दों में भी सबसे पहले यही इस्लाम लाए इस्लाम लाते ही आपने फौरन कह दिया अब मेरी हर चीज का मालिक अल्लाह और अल्लाह के रसूल हैं। माल और इसबाब तो क्या चीज है उनकी खातिर जान और औलाद भी कुर्बान कर सकता हूं नबुवत का ऐलान फरमाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू के तीन सालों में सिर्फ उन समझदार लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया जिनसे ये उम्मीद की जा सकती थी कि वो झगड़ा नहीं करेंगे और अल्लाह का सच्चा दीन कबूल कर लेंगे इस काम में अबू बकर सिद्दीक ने आपका पूरा पूरा साथ दिया इस्लाम की तबलीग की और कुरैश के बड़े बड़े लोगों को मुसलमान कर लिया उनमें उस्मान गनी तलहा जुबैर साद बिन अबी वकास और अब्दुलरहमान बिन औफ रजी अल्लाह अनहम जैसे ऊंचे रुतबे के लोग शामिल थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से तीन साल में करीबन डेढ़ सौ नेक मर्दों और औरतों ने इस्लाम कबूल किया ये काम चुपके चुपके किया गया उस जमाने में नमाजें भी छुपकर पढ़ी जाती थीं, ताकि काफिरों को उनके इस्लाम लाने का पता न चले ताहम एक दिन काफिरों ने मुसलमानों को नमाज पढ़ते देख लिया उन्होंने मुसलमानों को बाप दादा का मजहब छोड़ने पर बुरा اللہ عنہ तो के मकान को मुसलमानों के जमा होने और नमाज पढ़ने की जगह बना दिया ये मकान सफा पहाड़ी के करीब था और बहुत महफूज था काफिर उस पर आसानी से हमला नहीं कर सकते थे नबुवत के चौथे साल अल्लाह ताला के हुक्म से आपने खुल्लम खुला इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाई इस पर काफिर भड़क उठे मुसलमानों को सताने लगे उनके दुश्मन बन गए मुसलमानों ने करीबन नौ साल जुल्म बर्दाश्त किए इस्लाम लाने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ती गई अब बकर रजी अल्लाह ने भी इस्लाम की खातिर जुल्म बर्दाश्त किए लेकिन बराबर इस्लाम की खिदमत में लगे रहे आप सल्लाम पर जान छिड़कते रहे जिस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया उनके पास चालीस हजार दिरहम थे उनमें से अपने पास सिर्फ पांच छह हजार दिरहम रखकर बाकी सब गरीब मुसलमानों को काफरों के पंजे से छुड़ाने और इस्लाम की तरक्की के लिए खर्च कर डाले अबू बकर रजी अल्लाह अनहू की तबलीग से जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनमे तल्हा भी थे ये अबू बकर रजियाल्लाह अनु के चाजाजाद भाई थे उनके इस्लाम लाने का हाल कुरैश के एक सरदार को मालूम हुआ ये शख्स इस्लाम का सख्त दुश्मन था उसने तलहा और अबू बकर रजी अल्लाह अनुमा को रस्सी से बांधकर खूब मारा पीटा लेकिन ये इस्लाम पर कायम रहे एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खना काबा में तशरीफ ले गए काफिरों ने आपको देखा तो जोश में आ गए घेरे में ले लिया अबू बकर को खबर हुई तो फौरन काबे पहुंचे और कुफारे मक्का से कहा तुम पर अफसोस है तुम एक ऐसे शख्स को मारे डालते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है जबकि वो अल्लाह की साफ नजर आने वाली निशानियां लेकर तुम्हारे पास आया है के ये सुनकर काफिरों ने रसूलुल्लाह को तो छोड़ दिया सबने मिलकर उन पर हमला कर दिया और इतना मारा इतना मारा कि लहू लहान हो गए ये मार खाते जाते थे और कहते जाते थे इज्जत और शान वाले अल्लाह तेरी जात बहुत बरकत वाली है आखिर बेहोश होकर गिर पड़े उनके कबीले वालों को पता चला तो दौड़े आए उठाकर घर ले गए आयशा अनहा फरमाती हैं कि अब्बा जान को जख्मी हालत में घर लाया गया तो हालत यह थी कि सर पर जिस जगह हाथ लगता वहां से बाल झड़ जाते बहुत देर बाद उन्हें होश आया तो सबसे पहले उनकी जुबान से ये अल्फाज निकले रसूल का क्या हाल है उस वक्त वहां कबीले के ऐसे लोग भी मौजूद थे जो इस्लाम नहीं लाए थे उन्हें ये सुनकर बहुत गुस्सा आया कहने लगे, तुम पर अफसोस है इस हालत में भी मोहम्मद का ख्याल नहीं छोड़ते जब ये लोग चले गए तो उन्होंने अपनी मां से फिर वही सवाल पूछा मां ने कहा मुझे उनका कुछ हाल मालूम नहीं इस पर वो बोले जाकर खत्ताब की बेटी उम्मे जमील से पूछे उम्मे जमील का नाम फातिमा था उमर फारूक रजी की बहन थी उस वक्त मुसलमान हो चुकी थी लेकिन काफिरों से अपना इस्लाम छुपा रखा था अबू बकर की वालिदा ने जाकर उनसे कहा मेरा बेटा मोहम्मद का हाल पूछ रहा है तो फातिमा उनके साथ उनके घर गई अबू बकर की हालत देखकर चीख पड़ी और बोली अल्लाह की कसम जिन लोगों ने आपके साथ ये सलूक किया है वो सख्त काफिर हैं, बुरे लोग हैं मुझे उम्मीद है अल्लाह उनसे बदला जरूर लेगा अबू बकर ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम का क्या हाल है उम्मे जमील ने उनके कान में कहा आपकी वालिदा सुन रही हैं। यह उन्होंने इसलिए कहा कि उनकी वालिदा उस वक्त तक की मान नहीं लाई थी इस पर वो बोले तुम उनकी फिक्र न करो उनसे कोई खतरा नहीं तब उन्होंने बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल खैरियत से हैं और दार अरकम में हैं। वो सुनकर बोले अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक रसूल सल्लाम को देख ना लूंगा आखिर रात की तारीखी में उम्मे जमील उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई आपने अबू बकर की हालत देखी तो आंखों में आंसू आ गए आपने झुककर अबू बकर की पेशानी चूमी इस मौका पर अबू बकर ने अपनी वालिदा के मुसलमान होने की ख्वाहिश जाहिर की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और वालिदा ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया इस वाकये के बाद दोनों में मोहब्बत और बढ़ गई इब्तदाई तीन सालों में कुछ इस्लाम लाने वाले ऐसे भी थे जो मक्के के काफरों के गुलाम थे उन काफरों को जब अपने गुलामों के इस्लाम लाने का पता चला

उन्हें बेड़ियां पहनाकर रेत पर औंधा लिटाया जाता था कमर पर भारी पत्थर रखा जाता था लहजिया और उनकी बेटी लबीना जिन्नीरा इन सब को अबू बकर ने खरीद कर आजाद किया अबू बकर रजी अल्लाह अनहो के वालिद अबू कुहाफा रजी अल्लाह अनहो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे बेटे को इस तरह दौलत लुटाते देखकर एक दिन बोले बेटा मैं देख रहा हूं तुम जिन लोगों को आजाद करवाने पर पैसा खर्च कर रहे हो वो बहुत कमजोर हैं। तुम मजबूत लोगों को आजाद कराते तो वो तुम्हारे काम आते इस पर अबू बकर ने जवाब दिया मैंने इन गरीबों को अपने फायदे के लिए नहीं अल्लाह को राजी करने के लिए आजाद कराया है वो ही इसका बदला देगा ये बात सुनकर उनके वालिद खामोश हो गए काफिरों का जुल्म जब हद से बढ़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का मशवरा दिया कुछ मुसलमान हिजरत कर गए अबू बकर ने भी अपना वतन छोड़ा लेकिन रास्ते में कबीला कारा के सरदार रबिया बिन रफी मिले वो अपनी अमान में उन्हें वापस मक्के ले आए इसलिए कि वो अबू बकर को बहुत पसंद करते थे मक्के में दाखिल होकर रबिया ने ऐलान कर दिया कि अबू बकर उनकी पनाह में हैं। कुरैश ने इस शर्त पर उनकी पनाह मंजूर कर ली कि अबू बकर अपने घर के अंदर जिस तरह चाहें इबादत करें घर से बाहर न करें न ऊंची आवाज से कुरान पढ़ें उन्होंने ये बात मान दी लेकिन उनका दिल बहुत नरम था जब घर में कुरान पढ़ते तो बे अख्तियार रोने लगते उनके रोने की आवाज सुनकर लोग घरों से निकल आते रास्ता चलते लोग रुक जाते और कुरान सुनने लगते मक्के के काफिरों ने जब ये देखा तो रबिया से शिकायत की रबिया ने उनकी शिकायत अबू बकर के आगे रखी इस पर अबू बकर ने उनकी पनाह वापस कर दी और फरमाया मैं अपने अल्लाह की पनाह पर राजी हूं रबिया ने जाकर कुफार से कहा कि अबू बकर ने मेरी पनाह वापस कर दी है अब तुम जानो वो जाने बाद में ये रबिया बिन रफी मुसलमान हो गए थे उनकी कुनियत इब्ने दागीना थी अरब के मुसलमान बहादुरों में उनका शुमार हुआ अब अबू बकर रजी अन्हु पहले की तरह इस्लाम की तबलीग करने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में हर वक्त जान हथेली पर लिए रहते काफिरों ने कई बार उन्हें شديد तकलीफ पहुंचाई एक दफा नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे एक काफिर उकबा बिन अबी मोयत ने आपकी गर्दन मुबारक में चादर डालकर बल देना शुरू किए वो आपका गला घोंटना चाहता था अबू बकर दौड़कर वहां पहुंचे उकबा को धक्का देकर हटाया और बोले तुम एक ऐसे शख्स की जान लेना चाहते हो जो ये कहता है मेरा रब अल्लाह है इस पर उकबा और दूसरे काफिरों ने अबू बकर को मार मार कर अदमोआ कर डाला ऐसे और कई मौकों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सीना तानकर खड़े हो गए खुद मार खाली ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ न पहुंचे नबुव्वत के 12वें साल मेराज का वाकया पेश आया सुबह के वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल वगैरह के सामने यह वाकया बयान फरमाया तो वो मजाक उड़ाने लगे और अबू बक्र के पास गए और कहा के देखो तुम्हारे साहिब कैसी बातें कर रहे हैं इस पर उन्होंने जवाब दिया अगर मोहम्मद ये बातें कही हैं, तो उनके सच्चा होने में मुझे जर्रा भर शक नहीं क्योंकि सच के सिवा आपकी जुबान मुबारक पर कोई बात नहीं आती फिर खुद आपके पास आए और पूछा ए अल्लाह के रसूल वसल्लम क्या वाकई आपने ऐसा फरमाया है आपने फरमाया हाँ अबू बकर ने अज किया जो कुछ आपने फरमाया और तस्ता हूँ अब और दूसरे मौकों पर भी हमेशा रसूल सलम की तस्दीक की और आपकी नबूबत की गवाही दी फिर जब काफिरों ने नबी करीम सलम को कत्ल करने का मनसूबा तैयार कर लिया तो अल्लाह ताला ने आपको हिजरत की इजाजत दे दी आप अबू बकर के पास आए और उन्हें बताया मुझे हिजरत की इजाजत मिल गई है ये सुनकर अबू बकर ने अर्ज किया मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। क्या मुझे भी आपके साथ चलने की इजाजत है आपने फरमाया हाँ ये सुनकर अबू बकर इतने खुश हुए कि रोने लगे आयशा रजी अल्लाह फरमाती हैं कि उस रोज मुझे पहली बार मालूम हुआ कि कोई शख्स हद से ज्यादा खुशी से भी रोने लगता है फिर अबू बकर ने अर्ज किया मुझे अंदाजा था कि आप हिजरत करेंगे इसलिए मैंने दो ऊंटनियों को खिला पिलाकर तैयार कर रखा है इनमें से एक आप ले लें आपने फरमाया लेकिन मैं कीमत देकर लूंगा अबू बकर खामोश हो गए रात हुई तो आप अली रजी अल्लाह को अपने बिस्तर पर लिटा घर से निकले अल्लाह ताला ने कुफार को उस वक्त अंधा कर दिया वो नंगी तलवार लिए घर को घेरे खड़े थे कि ही आप बाहर निकलेंगे काम तमाम कर देंगे आप मजीद की आयत पढ़ते हुए बाहर निकल आए सीधे अबू के घर पहुंचे। वो पहले ही तैयार बैठे थे रुख्सत से पहले उन्होंने अपने बेटे को हिदायत की रात को आकर खबरें सुनाना हम फलां जगह ठहरेंगे अपने खादिम आमिर बिन फुहरा को हिदायत दी कि वो रोजाना की तरह बकरियां चराए और रात को उनका दूध हमें दे जाया करे फिर अबू बकर घर में मौजूद तमाम नकदी साथ लेकर निकल पड़े रास्ते में अबू बकर कभी आपके आगे हो जाते और कभी पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो अर्ज किया जब मुझे खतरा होता है कि आगे से कोई दुश्मन ना आ जाए तो आपके आगे चलने लगता हूं पीछे से कोई खतरा महसूस करता हूं तो पीछे हो जाता हूं इस तरह दोनों गारे सौर में पहुंचे ये मक्के के जुलूब मशरक में करीबन पांच किलोमीटर पर है रास्ते में जमीन पथरीली होने की वजह से दोनों के पाओ जख्मी हो गए अबू बकर आपकी तकलीफ़ बर्दाश्त न कर सके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बमुश्किल अपने साथ लेकर गारे सौर जो बहुत बुलंदी पर था पहुंचे अबू बकर की नजर उन पर पड़ी तो घबराए और कहा अल्लाह के नबी अगर इनमें से कोई शख्स अपनी निगाह नीची कर दे तो हमें देख लेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर ऐसे दो आदमियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह उस वक्त अल्लाह ने काफिरों की आंखों पर पर्दा डाल दिया वो गार के अंदर ना देख सके आपने तीन रातें और तीन दिन गार में कयाम फरमाया आमिर बिन फोहरा दूध पहुंचाते रहे आपकी बेटी अस्मा रात को खाना पहुंचाती रही और अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अनहो दिन भर की खबरें भी सुनाते रहे गोया अबू बकर का घराना खिदमत में लगा रहा तीसरी रात गार से रवाना हुए आमिर साथ चले अब्दुल्ला अरेकत नामी एक शख्स को उजरत पर रास्ता दिखाने के लिए साथ ले लिया इस तरह ये आगे चले उधर मक्के के काफिर आपकी तलाश में निकले क्योंकि घर में उन्हें अली रजी अल्लाह अनहो मिले थे पहले वो अबू बकर रजी अल्लाह के घर पहुँचे वो वहाँ ना मिले तो काफिरों ने ऐलान किया जो शख्स मोहम्मद या अबू बकर को पकड़ कर लाएगा उसे हर एक के बदले ऊंट इनाम में दिए जाएंगे कबीला बनु मुदलज का सरदार सुराका ये ऐलान सुनकर हथियार लगाकर आपकी तलाश में घोड़े पर रवाना हुआ ये बड़े डील डॉल का और बहादुर शख्स था तलाश करते करते इन हजरात के नजदीक पहुंच गया लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई जमीन पर गिरा दोबारा सीधा हुआ फिर गिरा उधर अबू बकर मुड़ मुड़ कर उसकी तरफ देख रहे थे बोले ए अल्लाह के रसूल हमारा पीछा करने वाला बहुत करीब आ गया है इस पर नबी करीम वसल्लम ने फरमाया معنا हमारे साथ है इसके साथ ही सुराका का घोड़ा जमीन में धंस गया ये देखकर वो पुकारा मुझे मुआफ कर दीजिए मैं आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा आपने दुआ की घोड़ा निकल आया सुराका नजदीक आया काफिरों के ऐलान के बारे में बताया आपने उसे जाने की इजाजत दे दी और उससे कहा हमारे बारे में किसी को ना बताना वो लौट गया और आप अपने साथी के साथ आगे रवाना हुए उधर यसरब यानी मदीना के लोगों को इतना मिल चुकी थी वो आपका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे आप आठ दिन तक सफर के बाद कुबा कुबा के करीब पहुंचे। मदीने से चार किलोमीटर के फासले पर जुनूब मग़रिब में एक गांव था लोगों को आपकी आमद की, की खबर मिली तो अल्लाह अकबर के नारे लगाते उमड़ पड़े उधर रसूल करीम वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह सवारी से उतरकर एक दरख्त के नीचे बैठ गए थे लोग अबू बकर को सलाम करते रहे इसलिए कि उनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे लोग उन्हें अल्लाह के रसूल समझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आई तो अबू बकर ने आप पर कपड़ा तान कर साया किया तब लोगों को मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल तो ये हैं। आप वसल्लम ने में मस्जिद बनवाई चंद दिन ठहरने के बाद वहां से मदीने की तरफ रवाना हुए अबू अब भी साथ थे। मदीने में आप और अबू अबू अंसारी के फरमा हुए। अब आपने मदीने में मस्जिद बनाने का इरादा फरमाया मस्जिद के लिए जो जमीन खरीदी गई उसकी कीमत अबू बकर ने अदा की तमाम मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया अबू बकर भी किसी से पीछे न रहे फिर अबू बकर ने अपने घर के बाकी अफराद को भी मक्के से मदीने बुला लिया। लेकिन की वजह से वहीं रुकी रही मदीने में आपने अपना काम यानी कपड़े की तिजारत फिर से शुरू कर दी लेकिन ज्यादा वक्त नबी करीम वसल्लम की खिदमत में बसर करने लगे आप हर जगह اللہ اللہ के साथ जाते। की। अपना माल के रास्ते में बेदरे खर्च किया जान की बाजी लगाकर अल्लाह और उसके रसूल सलम के दुश्मनों से लड़े आप गजब हुए इस लड़ाई से पहले आपने पुरजोश अंदाज में मुसलमानों से कहा हम आखिरी दम तक लड़ेंगे मैदान जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक दुआ करते रहे तो अबू बकर का दिल भर आया और उन्होंने ये अल्फाज कहे ए अल्लाह के रसूल अब बस कीजिए आप बहुत दुआ मांग चुके अल्लाह आपसे किया हुआ वादा जरूर पूरा फरमाएगा लड़ाई के दौरान जो काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ता अबू बकर फौरन उस पर हमला होते अबू बकर के बेटे अब्दुल रहमान अभी मुसलमान नहीं हुए थे काफिरों के लश्कर में मौजूद थे कुछ अरसे बाद वो इस्लाम ले आए उस वक्त उन्होंने बताया, जान, बद्र की लड़ाई में आप मेरी तलवार के जद में आए थे लेकिन मैंने वार नहीं किया था ये सुनकर अबू बकर ने फरमाया लेकिन अगर तुम मेरी तलवार की जद में आ जाते तो मैं तुम्हें हरगिज न छोड़ता इसके बाद बहुत की लड़ाई हुई इस लड़ाई में मुसलमानों के एक दस्ते की गलती की वजह से मुसलमानों के पांव उखड़ गए उस वक्त काफिर चारों तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े उस वक्त जिन चंद जानिसारों ने आपके साथ दुश्मन का मुकाबला किया उनमें से एक अबू बकर रजी भी थे खंदक की लड़ाई में अबू बकर फौज का एक दस्ता लेकर खंदक के एक हिस्से की हिफाजत करते रहे बाद में उस जगह मस्जिद बनाई गई जो मस्जिद सिद्दीक के नाम से मशहूर हुई बैते रिजवान के मौके पर सुलह की चंद शरयत मुसलमानों को पसंद ना आई तो वो अबू बकर के पास आए और अपना ख्याल जाहिर किया अबू बकर ने उनसे फरमाया आप अल्लाह के रसूल हैं जिस तरह अल्लाह हुक्म देता है उसी तरह करते हैं अल्लाह उनकी मदद करेगा तुम उनकी इताअत करते रहो अल्लाह की कसम वो हक पर हैं खैबर की लड़ाई में भी अबू बकर रजी अल्लाह अनहो साथ थे फतेह मक्का के मौका पर भी अबू बकर साथ थे कुरैश में अब मुकाबले की ताब नहीं थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुआफ कर दिया अबू बकर अपने वालिद अबू कुहाफा को आपकी खिदमत में लाए वो बहुत बूढ़े हो चुके थे बीनाई भी जायल हो चुकी थी अबू बकर ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो मुसलमान हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ फेरा और फरमाया इस्लाम ले आई वक्त कलिमा पढ़ लिया गजब हुनैन के मौका पर जब कबीला हवाजिन ने जबरदस्त तीरंदाजी की तो मुसलमानों की सफेद टूट गई उस वक्त जो सहाबा साबित कदम रहे उनमें अबू बकर भी थे गजब तयफ में अबू बकर के बेटे अब्दुल्लाह को एक तीर लगा वो जख्मी हो गए चंद दिन में जख्म ठीक हो गया लेकिन फिर खराब हो गया और वो इसी जख्म की वजह से फौत हुए तबू की लड़ाई के मौका पर लश्कर के लिए हथियारों और सवारियों की बहुत जरूरत थी आपने मुसलमानों से फरमाया दिल खोल कर माल और सामान दे इस पर गरीब अमीर हर मुसलमान ने माल सामान ऊंट घोड़े गल्ला खजूरें वगैरह आपकी खिदमत में ढेर कर दी अबू बकर अपने घर का तमाम सामान और हर चीज ले आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू बकर बाल बच्चों के लिए क्या छोड़ा उन्होंने अर्श किया उनके लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल काफी है लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी फौज का इंतजाम अबू बकर रजी अल्लाह अनुह को سپرد किया फौज का बड़ा झंडा भी उन्हीं को दिया तबूक मदीने से 686 किलोमीटर दूर है मुसलमान तकलीफें उठाते वहां पहुंचे। तबूक से वापसी के बाद हज के दिन करीब आए तो आप वसल्लम ने अबू बकर को अमीर हज मुकर उन्होंने लोगों को हज कराया हिजरत के दसवें साल रसूल करीम हज के लिए मक्का तशरीफ ले गए अबू बकर रजी अल्लाह और हजारहा मुसलमान आपके साथ थे आपका सामान अबू बकर की ऊँचनी आरोप लादा गया ग्यारह हिजरी में आपने एक लश्कर शाम भेजने के लिए तैयार किया इस लश्कर का सरदार आपने अपने एक प्यारे नौजवान उसामा बिन उद रजी अल्लाह को मुकर फरमाया इस लश्कर को भेजने का मकसद ये था कि रूम के बादशाह से मूता की लड़ाई का बदला लिया जाए मूता की लड़ाई आठ हिजरी में हुई थी और उसमें रूमी ईसाईयों के हाथों नबी करीम सल्म के बारह प्यारे साहबा शहीद हो गए थे उनमें उसामा रजी अल्लाह के वालिद जैद भी थे इस लश्कर में अबू बकर रजी अल्लाहू अन्हु भी शरीक थे उन्होंने इस बात की परवाह तक नहीं की कि उनका सिपाही सालार 18 19 साल की उम्र का एक नौजवान है दरअसल वो अल्लाह के सिपाही थे और जो बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी वही उन्हें भी पसंद थी हज से वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को यह खुतबा दिया अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया कि चाहे तो दुनिया की नेमतों को कबूल कर ले और चाहे तो अल्लाह के पास जाकर उन नेमतों को कबूल करे जो वहां मिलने वाली हैं। तो उस बंदे ने अल्लाह के पास जाकर मिलने वाली नेमतों को कबूल किया है ये खिताब सुनकर अबू बकर रजी अल्लाह रोने लगे वो समझ गए कि ये आप सल्लाह ने अपने बारे में फरमाया है हिजरत के ग्यारहवें साल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज में इजाफा हो गया तो आपने अबू बकर को नमाज पढ़ाने का हुक्म फरमाया अबू बकर नमाजें पढ़ाने लगे इस दौरान में एक सुबह आपको इफाका महसूस हुआ तो आप सहारा लेकर मस्जिद में तशरीफ ले आए अबू बकर ने पीछे हटना चाहा तो आपने इशारे से फरमाया अपनी जगह पर रहो फिर आपने उनके साथ बैठकर नमाज अदा की हिज्रत के ग्यारहवें साल 12 रबी अव्वल बरोस पीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेहलत फरमाई वो दिन अबू बकर की जिंदगी का सबसे बड़े सदमे का दिन था उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को बोसा दिया और फरमाया मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान अल्लाह आप पर दो मौतें जमा नहीं करेगा जो मौत अल्लाह ने आपके लिए, लिए, लिए लिख दी वो आ चुकी अब आप पर कभी मौत नहीं आएगी उस वक्त साहबा की हालत बहुत नाजुक थी सदना उमर फारूक रजी नंगी तलवार लिए ऐलान करते नजर आए जो शख्स यह कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई मैं उसे जान से मार डालूंगा अबू बकर ने उनकी ये तकरीर सुनी तो फरमाया उमर संभलो और चुप हो जाओ फिर आपने लोगों के सामने तकरीर की लोगों जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं और जो अल्लाह को पूछता था वो समझ ले कि अल्लाह जिंदा है वो कभी नहीं मरेगा इन अल्फाज के बाद आपने कुरान मजीद की ये आयत तिलावत फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल ही है उनसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं क्या अगर उनका इंतकाल हो जाए या शहीद हो जाए तो तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे और जो कोई फिर जाए अपनी एड़ियों पर तो हर गिज अल्लाह ताला का कुछ ना बिगाड़ेगा अन करीब अल्लाह तला शुक्र गुजारों को नेक बदला देगा अबू बकर रजी अल्लाह की तकरीर सुनकर लोगों को यकीन आ गया कि रसूल लाह सल्हु वसलम वाकई उनसे जुदा हो चुके हैं आपकी वफात के बाद मुसलमानों ने मुतफिका तौर पर जनाब अबू बकर सिद्दीक को खलीफा चुन दिया खलीफा बनाए जाने के बाद उन्होंने ये खुतबा दिया अल्लाह की कसम, मैंने कभी तुम्हारा अमीर बनने की खाहिश नहीं की तुमने एक ऐसा बोझ मुझ पर डाल दिया है जिसके उठाने की ताकत मैं अपने अंदर नहीं पाता और अल्लाह की मदद के बगैर उसको नहीं संभाल सकता मैं तुमसे बेहतर नहीं अगर सीधे रास्ते पर चलूं तो मेरी मदद करना और अगर गलती करूं तो मुझे दुरुस्त कर देना याद रखो सच्चाई अमानत है और झूठ खयानत तुम में से जो कमजोर है वो मेरे नजदीक ताकतवर है यहां तक कि उसका हक दिलवा दू और तुम में से जो ताकतवर है वो मेरे नजदीक कमजोर है यहां तक कि उससे दूसरों का हक वसूल कर लो जो कौम अल्लाह की राह में जिहाद छोड़ देती है वो जलील कर दी जाती है और जिस कौम में बेहयाई फैल जाती है उस पर अल्लाह का अजाब नासिल होता है जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल अलैहि वसल्लम की इताअत करूं तुम मेरा हुक्म मानो और जब मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करूं तो तुम पर मेरा हुक्म मानना फर्ज नहीं अब नमाज के लिए खड़े हो जाओ अल्लाह तुम पर रहम फरमाए खलीफा बनने के बाद अबू बकर ने जो सबसे पहला हुक्म जारी किया वो ये था कि उसामा के लश्कर को शाम जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए मुजाहिदीन फौरन जमा होने लगे इसी असना में खबरें आने लगी कि अरब के बहुत से कबीलों ने जक़ात अदा करने से इनकार कर दिया है ये लोग अभी थोड़ा अरसा पहले ही मुसलमान हुए थे बाज लोगों ने नबी होने का झूठा दावा करके हजार हा लोगों को बेवकूफ बना डाला लोग उनके जमा हो गए। अकबर देख कर बास ने को दिया कि इन हालात में उसामा के लश्कर को भेजना मुनासिब नहीं बेहतर यह है कि इसको रोक दिया जाए ताकि दुश्मन मदीने पर हमला करें तो उनका मुकाबला किया जा सके लेकिन अबू बकर ने यह मशवरा मानने से इनकार कर दिया और फरमाया अल्लाह की कसम अगर मदीना इस तरह आदमियों से खाली हो जाए कि दरिंदे और कुत्ते मुझे फाड़ खाएं, तब भी मैं उस लश्कर को शाम जाने से नहीं रोकूंगा जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम जाने का हुक्म फरमाया था अब बाद सहाबा ने यह मशवरा दिया कि लश्कर का सिपासालार नौ उम्र उसामा की जगह किसी उम्र रसीदा तजुर्बाकार सहाबी को बना दिया जाए ये सुनकर अबू बकर को गुस्सा आ गया उन्होंने फरमाया तुम कैसा मशवरा दे रहे हो जिस शख्स को रसूल लाँ लाँ ने लश्कर का लश्कर को रुखसत करने के लिए खुद मदीने से बाहर मकाम जुर्फ पर पहुंचे दूर तक उन्हें छोड़ने गए उसामा घोड़े पर सवार थे और अबू बकर उनके साथ पैदल चल रहे थे उसामा ने अर्ज किया के खलीफा या तो आप भी घोड़े पर सवार हो जाएं, या मुझे घोड़े से उतरकर पैदल चलने दें। अबू बकर ने फरमाया न तो मैं सवार होऊंगा, न तुम्हें तो घोड़े से उतरने दूंगा अगर कुछ देर के लिए मेरे कदमों पर अल्लाह की राह का कुबार पड़ जाए तो इससे मेरी शान में कोई कमी नहीं आ जाएगी फिर आपने लश्कर को रुख्सत किया उन्हें दुआ दी उसामा का ये लश्कर शाम के ईसाइयों को सजा देकर करीबन सत्तर दिन बाद वापस लौटा नबी अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कुछ कबीले इस्लाम से फिर गए कुछ ने जक़ात देने से इनकार कर दिया और कुछ ने झूठी नबूवत का ऐलान कर दिया ये सब इर्तिदादी फितने थे यानी ये मुर्तद हो गए थे अबू बकर रजी अल्लाह ने उन सब के खिलाफ जिहाद किया पहले आपने जक़ात न देने वालों से जंग की उन्हें शिकस्त दी फिर खालिद बिन वलीद और दूसरे सिपाही सालारों के लश्कर झूठे नबियों की तरफ रवाना किए मुसैलमा दी इस लड़ाई को यमामा की लड़ाई कहा जाता है मुसैलमा भी इस जंग में मारा गया दस हजार मुर्तद हलाक हुए मुसलमानों के लश्कर में से एक हजार शहीद हुए इस तरह मुर्तदों की कमर हमेशा के लिए टूट गई हर तरफ अम कायम हो गया और ये सब अबू बकर की गैर मामूली ईमानी ताकत हिम्मत और शुजात की वजह से मुमकिन हुआ इसके बाद आपका एक खास कारनामा यह है कि आपने कुरान को एक जगह जमा करवाया क्योंकि उस वक्त कुरान मजीद मुख्तलिफ जगहों पर लिखा हुआ था यमामा की लड़ाई में सैकड़ों साहबा शहीद हो गए थे इसलिए जरूरत महसूस हुई कि कुरान को एक जगह जमा कर दिया जाए चुनाचे ये काम किया गया इसके बाद अब रूम और ईरान की तरफ मुतवे हुए रूम और ईरान उस वक्त दुनिया की दो बड़ी सल्तनतें थी रूम वाले ईसाई थे और ईरान के लोग मजूसी यानी को पूछते थे दोनों ही मुसलमानों के दुश्मन थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारक में आसपास के मुल्कों के बादशाहों के नाम इस्लाम के पैगाम इरसाल फरमाए थे एक खत ईरान के बादशाह खुसरो परवेज को भी भेजा गया था उसने आपका खत फाड़ दिया था आपने ये खबर सुनकर फरमाया था अल्लाह उसके मुल्क के टुकड़े टुकड़े करे फिर खुसरो परवेज के बेटे ने उसे कत्ल कर डाला उसके बाद ईरानी आपस में लड़ने लगे ऐसे में अबू बकर रजी अल्लाह अनु खलीफा बन गए तो उन्होंने खालिद बिन वलीद को सिपाह बनाकर ईरान की तरफ रवाना किया खालिद बिन ईरानियों से पंद्रह के करीब लड़ाइया हुई इन सब में अल्लाह ने उन्हें फता लश्कर रवाना किए उनके सिपा सालार अबू उबैदा बिन जर्राह यजीद बिन अबी सुफियान शराबील बिन हसना और अमर बिन आस मुकर फरमाए इन चारों लश्करों में सत्ताईस हजार के करीब मुजाहिदीन थे ये चारों मुख्त रास्तों से शाम पर हमला अबर हुए साथ ही अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को हुक्म भेजा कि वो भी इन लश्करों की मदद के लिए पहुंचे खालिद बिन वलीद शाम के इस्लामी लश्कर से आमिले और कमान अपने हाथ में ले ली उधर रूमियों का बड़ा लश्कर अजनादैन के मकाम पर जमा हुआ खालिद बिन वलीद ने उनका रुख किया और उन्हें बहुत बड़ी शिकस्त दी अजनादैन से शिकस्त खाकर रूमी यरमूग में जमा हुए यहाँ भी जबरदस्त जंग हुई ये लड़ाइया अभी जारी थी कि सैयदिना अबू बकर सख्त कमजोरी की वजह से मस्जिद में ना आ सके सन्हो को नमाजें पढ़ाने का हुक्म दिया जब हालत और बिगड़ी तो वसीयत फरमाई मेरे बाद खलीफा उमर होंगे ये वसीयत सुनकर बादशाहबा ने अर्ज की उमर के मिजाज में सख्ती है तो अबू बकर ने फरमाया जब खिलाफत का बोझ सर पर पड़ेगा तो यह सख्ती जाती रहेगी वो उम्मत के बेहतरीन आदमी हैं। बीमारी के दिनों में एक दिन पूछा खलीफा बनने से अब तक बैतुल माल से मुझे कितना वजीफा मिला है हिसाब किया गया तो आठ हजार के करीब दिरहम बने आपने फरमाया मेरी फलां जमीन बेचकर यह रकम बैतुल माल में जमा की जाए फिर आपने फरमाया जब से मैं खलीफा हुआ हूं मेरी जायदाद कितनी बड़ी है लोगों ने कहा कि एक हपशी गुलाम है जो बच्चों को खिलाता है मुसलमानों की तलवारों को साफ करता है और चमकाता है एक ऊटनी है जिस पर पानी लाता है और एक मामूली सी पुरानी चादर है ये सुनकर फरमाया मेरे मरने के बाद ये सब चीजें नए खलीफा उमर के पास पहुंचा दी जाएं। एक वसीयत यह की मेरी कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास बनाई जाए अपने कफन के बारे में फरमाया जो कपड़े मेरे बदन पर हैं उन्हीं में कफन दिया जाए इस पर आयशा रजी अल्लाह ने फरमाया हम आपके लिए नया कफन क्यों ना खरीदे जवाब में फरमाया मुर्दों से ज्यादा नए कपड़ों की जरूरत जिंदों को है यह भी फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पीर को हुई थी आज पीर है मुझे उम्मीद है कि मेरी मौत भी आज ही होगी चुनाचे बाईस जमातुल आखिर हिजरत के तेरहवें साल पीर के दिन अबू बकर रजी अल्लाह इस दुनिया से रेहत कर गए कफन दफ्न उनकी वसीयत के मुताबिक हुआ वफात के वक्त उम्र तिरसठ साल थी खिलाफत की मुद्दत दो साल तीन माह ग्यारह दिन है खलीफा बनने से पहले कपड़े की तिजारत करते थे जिस रोज खलीफा बनाए गए उससे अगले रोज कपड़े के थान कंधे पर रख कर बाजार की तरफ निकले उमर ने देखा तो अर्ज की अगर आप तिजारत करते रहे तो मुसलमानों के काम कौन सा अंजाम देगा इस तरह मुसलमानों के मशवरे से आपका वजीफा मुकर हुआ ये इतना था जितना एक आम आदमी का खर्च होता है वफात के वक्त यह भी अपनी जमीन फरोख्त करके बैतुलमाल में जमा कराने की वसीयत कर दी इस वसीयत के मुताबिक जब ये रकम बैतुल माल में जमा कराने के लिए सैयदना उमर फारूक की खिदमत में लाई गई तो उमर रो पड़े आपकी शक्ल नूरानी कद दरमियाना जिसम दुबला पतला रंग गोरा था लिबास बहुत सादा पहनते इबादत का बहुत शौक था दिन को रोजा रखते रात को क्याम करते तिलावत के वक्त इतना रोते कि तर हो जाती कुरान और हदीस के बहुत बड़े आलिम थे। हैं। लिखना पढ़ना भी जानते थे औकात में पांच शादियां की, तीन बेटे और तीन बेटियां थी उनके नाम ये हैं अब्दुल्लाह अब्दुल रहमान मोहम्मद असमा आयशा

कोई बात उनसे छुपा कर नहीं रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा जुड़कर बैठते थे लेकिन अबू बकर के लिए जगह छोड़ दी जाती थी जब वो अपनी जगह पर आकर बैठते तो आप उनकी तरफ रुख कर लेते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे अबू बकर तमाम लोगों में मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं आप वसल्लम ने कई बार उन्हें जन्नत की बिशारत दी एक मरतबा फरमाया अबू बकर कौसर पर मेरे साथ होंगे एक मरतबा नबी करीम सलम ने दस सहाबा के नाम लेकर फरमाया कि ये जन्नती हैं। इनमें पहला नाम अबू बकर सिद्दीक का लिया अबू बकर सिद्दीक गरीबों और मोहताजों की बहुत मदद करते थे अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में सबको पीछे छोड़ देते थे अल्लाह का खौफ इस कदर था कि हिसाब के दिन का ख्याल आने पर कांप जाते थे फरमाया करते थे काश में एक दिन का होता किसी को कोई बात कह देते तो फौरन उससे मुआफी मांग लेते लोगों को सलाम करने में पहल करते थे परहेजगारी तो हद दर्जे की थी एक दिन आपका गुलाम खाने की कोई चीज लाया आपने उसमें से कुछ खा लिया लेकिन खाने के बाद गुलाम ने आपसे पूछा आपको मालूम है कि आपने जो खाया है वो क्या है आपने फरमाया बतलाओ ये कहां से आया है उसने बताया कि जमाने जाहिलियत में एक शख्स ने मुझसे कुछ मंत्र पढ़वाया था ये उसकी उजरत है ये सुनकर अबू बकर ने अपना हाथ मुंह में डाला और जो कुछ पेट में गया था कै के जरिए सब कुछ बाहर निकाल दिया मिजाज में बहुत आजजी थी खलीफा बनने से पहले मोहल्ले वालों की बकरियों का दूध दोह देते थे खलीफा बनने के बाद भी ये मामूल न छोड़ा लोगों को बहुत अच्छी अच्छी नसीहतें करते रहते थे फरमाते हैं मुसीबत की जड़ इंसान की गुफ्तगू है अक्लमंद मन की पहचान यह है कि वो ज्यादा बातें नहीं करते सच्चाई अमानत और झूठ बददेनती है किसी मुसलमान को हकीर न जानो जिस कौम में बुरी बातें आम हो जाएं, तो अल्लाह उसको मुसीबत में डाल देता है हर अच्छे काम के सवाब का एक अंदाजा है लेकिन सब्र का सवाब बेअंदाजा है गुनाह से तौबा करना जरूरी है लेकिन गुनाह से बचना उससे भी ज्यादा जरूरी है उस दिन पर रो जो तेरी उम्र से गुजर गया और तूने उसमें कोई नेकी नहीं की अल्लाह ताला उस वक्त तक नफली इबादत कबूल नहीं करता जब तक कि तुम फर्ज अदा न करो जो कौम जिहाद को छोड़ देती है अल्लाह उसको जलील कर देता है मजलूम की बददुआ से बचो क्योंकि अल्लाह उसको फौरन सुन लेता है इल्म बगैर अमल के बेकार है बुरों के पास बैठने से अकेले बैठ रहना बहुत अच्छा है दवाएं खा खाकर सेहतमंद नहीं